जय ओडिशा तरफरु जन्माष्टमीर हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना। कान्हांकर आज जन्मदिन, आज ओडिशार कान्हांकर मध्य जन्मदिन। कान्हचरण महांति ओडिया साहित्यर अप्रतिद्वंदी औपन्यासिक। 11 अगस्त 1906 कान्हचरण महांतिंकर जन्म होइथिला। एकदा तांकर उपन्यास गुड़िक ओडिशार घरे घरे सुपरिचित थिला। गांठारु आरंभ करि सहर पर्यंत, गृहिणीठारु आरंभ करि छात्र छात्री पर्यंत समस्ते थिले तांकर प्रशंसक पाठक। तांक साहित्यरे बौद्धिकतार अभाव थिबा केहि केहि मत दियंती। एहि प्रसंगरे से एकदा कहिथिले, उपन्यास ओ गल्पर बौद्धिकता खंजिबार उपाय मु देखिपारु नाही। जदि बौद्धिकता पदार्थटी कौन जाणीपारती एवं केही समालोचक जदि दयाकर जणाइ दियंते, मु तांकर कृतिर दृष्टांत को आगरत होइ मोर भविष्यतर लेखा को बौद्धिकता पूर्ण करती। समालोचना सत्वे असंख्य पाठकंक पाई से थिले अप्रतिद्वंदी कथाकार। एकदा ओडिया उपन्यास कहिले कान्हचरण एवं कान्हचरण कहिले ओडिया उपन्यास को ही बुझाउथिला। शैशवरु से थिले साहित्यानुरागी, प्रथमे कविता प्रति आकृष्ट होइथिले। प्यारीमोहन एकाडेमीर छात्र थिबा बेले तांकर केतोटी कविता विद्यालयर त्रैमासिक पत्रिकारे प्रकाशित होइथिला। से उत्साहित होइथिले सत, किंतु कवि जीवनर विकास होइपारिनथिला। तांको लागिथिला संस्कृत भळी संभ्रांत भाषारे लिखि नपारिले जणे प्रकृत कवि बोलाइ पारिबो नाही। तेणु कविता लेखिबा बन्द करिदेइथिले कान्हचरण महांति। छात्रावस्थारे फकीरमोहन को उपन्यास गल्प सह परिचय होइसारिथिला। मनरे आसिथिला संस्कृत ज्ञान नथाइबी बापा दादी पिउसा ओ पिउसी खुड़ी माउसी अपामाने कथाबार्ता होइ भाव प्रकाश करिपारुछन्ती। सेमानंक भाषारे गप उपन्यास लेखा जाय पारिबो। बास समयर रथचक सह गड़ि चलिला लेखनी एवं सृष्टि होइ चलिला गोटिक परे गोटिए उपन्यास। आईएससी पढ़ुथिबा बेले कान्हचरण उत्सवे व्यसन ओ इष्टसिद्धि नामक दुईटी उपन्यास रचना करिथिले। तेबे से दुईटी आत्मप्रकाश करिपारिनथिबारु बाली राजा को तांकर प्रथम उपन्यास भाबे ग्रहण करा जायछि।